डायनामाइट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं तांबेश्वर मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी श्री राघवेंद्र पांडे। राघवेंद्र पांडे जी, जानते हैं कि यह सावन के सोमवार में क्या खास चीज़ है, सावन के सोमवार में बताना चाहेंगे? श्रावण मास ऐसा मास होता है कि ये भक्तों के लिए भक्तिपूर्ण मास होता है। इसमें शिव जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान ने विष का प्याला पिया, तो उस विष के प्याला की गर्मी को शांत करने के लिए विशेष करके श्रावण के मास में शिव जी को गंगा जल और बेलपत्र विशेष करके चढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों शीतलता देती है, तो भगवान के विष को शांत करने के लिए ये विशेष करके श्रावण के मास में बेलपत्र और गंगा जल से विशेष पूजा होती है। और इस साल तो श्रावण मास का बहुत ही पूर्ण महत्व है, क्योंकि इस वर्ष श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। 5 सोमवार में जो भी भक्त भगवान को आकर के गंगा जल बेलपत्र आदि से पूजा अर्चना भक्तिभाव से पूर्ण करता है, तो उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। और ये मान्यता श्रावण के मास में भक्तों के लिए शिव जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये आज से पंडित जी जो है चतुर्मास चालू हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ कहते हैं? हाँ, चतुर्मास श्रावण के प्रथम दिन से चालू हो जाता है, जो 4 महीना चतुर्मास होता है। चतुर्मास में विशेष करके भक्ति और आराधना के लिए विशेष माना गया है, जिससे जनमानस में कल्याणकारी होता है। चतुर्मास में सिर्फ भगवान की पूजा आराधना ही की जा सकती है, इसमें अन्य कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, केवल भगवान की पूजा के अतिरिक्त। पंडित जी, आप हमारे साथ